मेरे पुत्र कदे नहीं किसी नु वद ते सलाम कीता। जब माँ बाप ने यह सबक दिया तो औलाद का क्या कसूर है। तो हमारा मुआशरा इंतकामी है, एक की दस सुनाने का माहौल है। तो आप सौ की एक भी ना सुनाओ। आहनफ बिन कैस रजी अल्लाह ताला ने पे एक आदमी ने चढ़ाई करके लगा एक सुनाओ। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण, वडक्कम, आई एम हरमन, आई एम मंजोत, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरमन जोस रिएक्शन। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मरने से पहले मर जाओ, ब्यूटीफुल रिमाइंडर बाय मौलाना तारिक जमील जी। एंड तारिक जमील जी की वीडियो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रहती है, अच्छी रहती है। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। सो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा वो क्या बोल रहे हैं। तो चलिए आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वाले की क्या इज्जत क्या जिल्लत, मैंने तो मर के देखा है और मुझे ये हदीस समझ में आई है बड़ी अच्छी तरह, मूतू कबल अन तमूतू, कि मरने से पहले मर जाओ। उस वक्त अगर मैं मर जाता तो मुझे कोई गालियां देता तो मुझे क्या नुकसान था, और मुझे कोई नारे लगाता मेरे लिए तो मेरा क्या नफा था। तो मरने से पहले मर जाओ, कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो तुम्हारा क्या नुकसान, तुम्हें कोई वाह वाह नारे लगाए तुम्हें क्या नफा है। अगर अल्लाह राजी है तो मुर्दाबाद और जिंदाबाद से बेनियाज हो। अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक आदमी ने गालियां दी तो उन्होंने फरमाया बेटा एक घाटी आगे आ रही है उसमें गिर गया तो जो कुछ कह रहे हो इससे भी ज्यादा का हकदार हूँ, और अगर पार हो गया तो तेरी गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है। मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मौतु क़ब्ल अन तमूतु। चूंकि आजकल अखलाक हैं इंतकामी, माफ करने वाले अखलाक हैं नहीं, इंतकामी अखलाक हैं। हमारा मुआशरा इंतकामी है, अच्छा करोगे तो हम अच्छा करेंगे, बुरा करोगे तो हम बुरा करेंगे, जैसा कहोगे वैसा हमसे सुनोगे, ये हमारा माहौल है, ये हमारा। एक माँ कह रही थी दूसरी माँ को, मेरे पुत्र कभी किसी ने वादे सलाम नहीं किया, बड़े वो फखर से कह रही है, हमारे अपने गांव की बदवा, मेरे पुत्र कभी नहीं किसी ने वादे सलाम किया, माई जड़ा करे उन्हें करें, जड़ा ना करे उन्हें पूछ दे ही कोई नहीं, ये वो फखर से कह रही। जो सबसे बड़ा ऐब है वो सबसे बड़ा फखर बना हुआ। मेरे पुत्र कभी नहीं किसी ने वादे सलाम किया। जब माँ बाप ने यह सबक दिया तो औलाद का क्या कसूर है। तो हमारा मुआशरा इंतकामी है, एक की दस सुनाने का माहौल है। तो आप सौ की एक भी ना सुनाओ। आहनफ बिन कैस रजी अल्लाह ताला ने पे एक आदमी ने चढ़ाई करके लगा एक सुनाओगे ना तो दस सुनोगे मेरी तरफ से। तो आहनफ बिन कैस कहने लगे भाई तू मुझे सौ भी सुनाएगा ना तो मेरी तरफ से एक भी तो नहीं सुनेगा। एक आदमी उनकी बड़ी बेइज्जती कर रहा था और वो चल रहे थे और वो सौत गालियां बक रहा है। जब आ गया ना करीब शहर तो कहने लगे देखा मेरा कबीला यहां रहता है, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तेरी बड़ी धुलाई कर देगा, तो तूने जो मुझे गालियां देनी मैं खड़ा हूं यहीं तू दे ले, तो अपना सारा जोर पूरा कर ले ताकि आगे तेरे तुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे मेरी वजह से। तो वो पांव पे गिर के माफी मांगने लगा कि वाकई तू बड़े हिलम वाला है। वो मशहूर थे अपने हिलम में, बुर्दबारी, और लोग उनका इम्तिहान लेने आया करते थे। कि भाई कोई है जो आहनफ को गुस्सा दिला तो लोग नाकाम हो जाते थे, उनको गुस्सा नहीं आता। ऐसे एक अरब सरदार गुजरा मान बिन जायदा, वो भी अपने हिलम में बड़े मशहूर थे। एक दफा लोगों में शर्त लग गई कोई है मान बिन जायदा को गुस्सा दिलाए तो हम उसको इनाम देंगे। तो एक शायर ने कहा मैं गुस्सा दिलाता हूं, तुम देखना ऐसे सीख पा हो जाएगा जैसे जानवर। तो वो चला गया उसकी मजलिस, दरबार लगा, अरब सरदार था बहुत बड़ा, दरबार लगा वो, तो कहता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मान बिन जायदा पर एक दौर बड़े फखर का गुजरा था, फिर अल्लाह ने उसको बहुत बड़ी सरदारी दी, बनू अब्बास का बहुत बड़ा ये वजीर गवर्नर था। तो कहता अतज़कुर इज़ लिहाफ़ुक जिल्दुशाते इज़ना अलाका मिन जिल्दिल बईरी, क्यों भाई तुझे याद है जब तेरा बिस्तर बकरी की खाल था और तेरे जूते ऊंट की खाल के थे, तो
तो कहने लगा, क्यों नहीं याद, भला कोई माजी भी भूलता है। तो वो कहने लगा, पहला वार तो खता गया, कहा सुभान अल्लज़ी आताका मुल्कन वअल्लमकल जुलूस अला सरीरी। तो फिर सारी तारीफें तो अल्लाह की हैं जिसने तेरे जैसे को तख्त पे बिठा दिया। कहां भाई, सारी तारीफें अल्लाह की हैं, मेरी तो कोई औकात नहीं। तो कहने लगा, सअरहलु अन दियारिन अंता फीहा व इन जारा अज़्ज़मान अलल फकीरी, जहां तेरे जैसा हुक्मरान हो वहां मुझे रहना गवारा ही नहीं है, मैं यहां से छोड़ के निकल जाऊंगा चाहे कितनी तकलीफ उठाऊं। बड़े दरबार में ये एक गवर्नर और वजीर से बात हो रही है, तो वो कहता है, अच्छा भाई अगर तू हमारे पास रहेगा तो हम तेरा इकराम करेंगे, और अगर तू जाना चाहता है तो फिर राफकत का सलाम। तो वो ये बार भी खाली गया, तो कहने लगा, फजुदली यबना नाकसतन बिमालिन। ओ गंदी माँ के बेटे, मुझे कुछ अता भी कर, मैं बगैर पैसे के सफर कैसे करूंगा। अरब को किसी को भी माँ की गाली दे देना फिर अरब सरदार हो। फजुदली यबना नाकसतन बिमालिन, बुरी माँ के बेटे मुझे कुछ पैसे भी दे, मैंने जाना है। मैं कहा इसको 3000 दे दिया जाए। अल्लाह, तो कहने लगा, कलील उम्मा आतैतनी व इन्नी लअत्मौ मिनका फिल कसीरी, ये तो बहुत थोड़ा तूने दिया है, मुझे और दे। कहा अच्छा भाई 3000 और दे दो। तो वो शायर की भी आंखें फट गईं, कहने लगा ठहर जा ठहर जा, अब मैं तेरी असल तुझे बताता। सअल्तुल्लाह अन युबकीका ज़ुख्रा फमा लका फिल बरियत मिन नज़ीरी, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तेरे जैसों को सलामत रखे, तेरे जैसा दुनिया में किसी माँ ने जना ही कोई नहीं। फमिन कल जूद वल इफ़्ज़ाल हक्का वफ़ज़ल यदैका कल बहरिल ग़ज़ीरी, तू ही सखी है, तू ही करीम है, और समंदर भी तेरी सखावत के आगे कुछ नहीं है। तूने कहा अच्छा भाई, तूने हमारी बुराई की, हमने तुम्हें 6000 दिए, अब तूने हमारी तारीफ की, अब 10000 और दे दो इसको। हा हा, बातें ही रह गई, बातें ही रह गई, कहां से लाएं ऐसे लोग। हमारा मुआशरा इंतकामी है, बदला लेने का है, बदला लेने का। तो मेरे साथ क्या, मैंने भी करना है। तो आला दर्जे का इस्लाम ये सिखा रहा नहीं, चुप हो जाओ, सलामत बन जाओ, सलामती बन जाओ, सलामती की अलामत बन जाओ। मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अब वो सवाल करता है, या रसूल अल्लाह अय्युल ईमान अफ़ल, सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, कलमा नमाज रोजा हज ज़कात, आला दर्जे का इस्लाम क्या है, मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ये अखलाक का अदना दर्जा है, अदना दर्जा है, अदना दर्जे पर पहुंचकर आप इस्लाम में आला दर्जे पर आ सकते हैं। वो सवाल करता है ईमान क्या है, तो आपने कहा अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, मौत के बाद की जिंदगी पर, तकदीर पर। अब एक और साहिल सवाल करता है अय्युल ईमान अफ़ल, सबसे आला दर्जे का ईमान क्या है, तो आपने फरमाया हुस्नुल अखलाक, अच्छे अखलाक सबसे आला दर्जे का ईमान है। जो आदमी इस्लाम में, जो आदमी अखलाक में, जो मर्द औरत अखलाक में अदना दर्जे पर होता है वो इस्लाम में आला दर्जे पर पहुंचता है। अब अगर वो अखलाक में आला दर्जे पर आ जाए तो अब ये कहां पहुंचेगा, अब ये कहां पहुंचेगा। मेरा नबी कह रहा है सबसे आला दर्जे का ईमान है हुस्न अखलाक, हुस्न अखलाक। अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल वमा हुस्न अखलाक, ये भी एक और हदीस है, या रसूलुल्लाह हुस्न अखलाक क्या चीज है, तो आपने तीन चीजें फरमाई, तसलु मन कतअक व तुअती मन हरमक व तअफु अम्मन वलमक, जो तुमसे तोड़े ना तुम उससे जोड़ो, नहीं करता सलाम ना करें कोई, हम छोटे बाप के हैं, हम तो कभी भी ना करें, हम तो कभी भी ना मुंह थूके भी नहीं हम तो। तो मेरा नबी कह रहा है जो तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो महरूम करे उसे अता करो, जो ज्यादती करे उससे दरगुजर करो।
ये तीन काम जो औरत मर्द कर लेगा ये अखलाक के आला दर्जे में है। जब ये अखलाक के आला दर्जे पर पहुंचता है तो फिर मेरा नबी क्या बशारत देता है, अदना दर्जे पर पहुंच कर तो आला मुसलमान की बशारत है, और अखलाक में आला दर्जे पर पहुंच कर मेरा नबी कहता है काद अल हलीम अन यकून नबिया, आला अखलाक वाला बस नबी बनते बनते रह जाता है। आला अखलाक वाला ऐसे है जैसे के नबी, करीब है कि वो नबी बन जाए। ये तो ना तर्जमा, लेकिन हम हमारे उर्दू में कहते हैं वो नबी बनते 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 रह गया। क्या मतलब कि उसमें और नबी में सिर्फ नबूवत का फर्क रह जाता, बाकी वो सब कुछ हासिल कर लेता है। तो ये सारे दीन का मैंने आपको खुलासा बताया है कि मेरी आपकी जरूरत है कि मेरा इस्लाम आला दर्जे का हो, मनसलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मेरा ईमान आला दर्जे का हो। आमीन। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो थी एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लगी है, उन्होंने बहुत ही पीसफुल रिमाइंडर दिया इस वीडियो में तारिक जमील जी ने। सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया उन्होंने, और एक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन लगी, उन्होंने बोला जो तोड़े तुम उसे जोड़ो, जो महरूम करे उसे अता करो, और जो जाति करे उसे दरगुजर करो। सो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लगी है ना मुझे तो, ये मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए उन्होंने। Exactly. So, overall, मेरे को, हम दोनों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। Yes, काफी इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो रही हमारी। एग्जैक्टली एंड गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एंड जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका थैंक यू, एंड जिन अब तक नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ ही में हमारे चैनल के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।